वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा और आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यू सीरीज में। तो जैसे कि आप जानते हैं सीरीज के हर वीडियो में 15 क्वेश्चंस होते हैं जो कि करंट और स्टैटिक बेस्ड होते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर 24 नवंबर 2018। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन साथ ही साथ उसके आंसर्स, आप यहाँ से अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं कि आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके फ्रेंड्स, और ये है कोट ऑफ द डे। No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you are still way ahead of everyone who isn't trying। मतलब इससे कोई मतलब नहीं रखता कि आप कितनी गलतियां करते हैं, कितने धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। बस जो मैटर करता है वो ये है कि आप उन सबसे आगे हैं जो अभी तक जिसने मतलब कुछ ट्राई नहीं किया या they haven't tried anything। Okay, so this is a very positive quote. So let's get started. First question, I am Kolkata Innovation Park और ICC ये है इंडियन कॉमर्स चैम्बर, ठीक है। साइंड ए MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एनर्जाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी ये दोनों संस्थाओं के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ या एक पैक्ट साइन हुआ, आप ऐसे समझ लीजिए। एक मतलब एक इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो स्टार्टअप्स। तो बेसिकली स्टार्टअप से रिलेटेड, जो स्टार्टअप इंडिया नाम का एक स्टार्टअप और स्टैंड अप करके एक प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था जिसमें स्टार्टअप जो है वो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उससे रिलेटेड है। तो उन्हें मतलब अच्छे स्किल्स डेवलप कराना, साथ ही साथ उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, टैक्स मतलब कुछ समय का टैक्स रिबेट देना ताकि वो सर्वाइव कर सकें, एक उन्हें सर्वाइवल का पीरियड मिल सके, ठीक है। तो बेसिकली किस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न रीजन में स्टार्टअप को एनर्जाइज और मोटिवेट करने के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ये दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस विड्रॉल फ्रॉम साइनिंग द UN माइग्रेशन पैक्ट। बेसिकली एक UN का माइग्रेशन पैक्ट है जो 2016 में जितना यूरोप में माइग्रेशन हुआ था, ठीक है, उससे रिलेटेड एक यूनाइटेड नेशन ने एक पैक्ट बनाया है जिसमें मतलब सारी कंट्रीज को मतलब एक सिग्नेटरी बनाने की कोशिश की गई कि जब भी कोई आपदा आती है या फिर जो माइग्रेशन होता है तो दूसरी कंट्री जो कंट्री से माइग्रेशन हो रहा है उसे अडॉप्ट करे ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, मतलब जहाँ पे उनके जो मानव अधिकार है उसका हनन ना हो सके, ठीक है। तो हाल ही में ये किस दो देशों ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑस्ट्रेलिया एंड पोलैंड। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया एंड पोलैंड ने यहाँ इस पैक्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया है एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। एशिया में एनवायरमेंट से रिलेटेड जो एनफोर्समेंट होता है उससे रिलेटेड एक अवार्ड दिया है। किस लिए? कॉम्बैटिंग ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंट क्राइम्स। तो ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंट क्राइम्स होता है मतलब इस बाउंड्री से लेके उस बाउंड्री तक, ठीक है, हजार्डियस वेस्ट यहाँ से यहाँ पहुँचाना जिससे एनवायरमेंट पोल्यूट होता है, ठीक है, या फिर हजार्डियस गैसेस को छोड़ना, ठीक है, इंडस्ट्रीज के द्वारा मतलब सीवेजेस एफ्लुएंट वेस्ट ये सब छोड़ना मतलब रिलीज करना जिससे एनवायरमेंट इम्पैक्ट होता है। तो ये जो पुरस्कार है वो मतलब कंटिन्यूसली दूसरी बार वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इंडिया को दिया गया है UN के द्वारा, ठीक है। ये मतलब कंटिन्यूसली सेकेंड टाइम दिया गया है उनके द्वारा। और UNEP है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका जो हेड ऑफिस है वो है नायरोबी केन्या में, जिसका हेड क्वार्टर है वो नायरोबी केन्या में है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो अवार्ड हाल ही में दिया गया ये बैंकॉक में दिया गया, थाईलैंड में। ओके, थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, वहां दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबर ईट्स अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो हाल ही में उबर ईट्स नाम का एक वो है स्टार्टअप है जिसने एक पर्सनालिटी को अपना मतलब बहुत ही फेमस पर्सनालिटी उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बताया है। तो उसका उत्तर आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर B आलिया भट्ट। आलिया भट्ट हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय उबर ईट्स, ओके, एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्रा वैली फिल्म फेस्टिवल। ब्रह्मपुत्रा वैली एक फिल्म फेस्टिवल है जो कि आसाम में आयोजित किया जा रहा है 28 नवंबर से, ठीक है। ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, मतलब इसके पीछे का एम क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो एम और ऑब्जेक्टिव है वो है कि सिनेमा को प्रमोट करना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जो कि 7 सिस्टर स्टेट है, ठीक है, प्लस सिक्किम है, तो ये 8 स्टेट हो जाते हैं। यहाँ पे जितना भी मतलब सिनेमा है उसको प्रमोट करना और वहाँ के कल्चर्स को भी सिनेमा के माध्यम से बाकी देश में प्रेजेंट करना, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, वहाँ का जितना भी कल्चर है, एथनिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी फिल्म के माध्यम से उनको बताना कि आप इससे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो और अपने कल्चर को दूर दूर तक पहुँचा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड 2018 वॉज कन्फर्ड टू। हाल ही में फोर्ब्स लीडरशिप अवार्ड देने की घोषणा की गई है और भारत से किसे दिया जाएगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अजीम प्रेमजी। ये विप्रो के चेयरमैन है, विप्रो के चेयरमैन है और ये भारत के दूसरे रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, इन्हें हाल ही में इस अवार्ड से नवाजने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, हाल ही में सातवां इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को का इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया, यानी किस राज्य में किया गया है, कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया अगरतला में, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है और ये जो वहाँ के गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी और विप्लव देव के सीएम है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ये अगरतला में ये इंटरनेशनल जो टूरिज्म मार्ट है इसका इनॉग्रेशन होगा त्रिपुरा में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस International Children's Emergency Fund recently appointed dash for its North Eastern region, मतलब North Eastern region में यूनिसेफ ने किसे अपॉइंट किया है। ठीक है, या मतलब ये एक नया डेजिग्नेशन या ये किससे रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूथ एडवोकेट्स। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने या यूनिसेफ ने यूथ एडवोकेट्स को मतलब अपॉइंट किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अब ये यूथ एडवोकेट्स करेंगे क्या, ये बेसिकली ये एक एज अ एजेंट की तरह वर्क करेंगे टू चेंज द सोसाइटी, टू चेंज द सोसाइटी। तो सोसाइटी का जो वेलफेयर है उसका उसमें एक चेंज लाने के लिए, एक सकारात्मक जो बदलाव है उसको लाने में ये काफ़ी मदद करेंगे, काफ़ी सहायता देंगे। कौन, यूथ एडवोकेट्स। और ये बेसिकली ये जो एक कदम है ये यूनिसेफ के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी, सऊदी इन द सेंस सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया जिसकी राजधानी रियाद है और यूएई जिसकी राजधानी दुबई है, ठीक है, अनाउंस्ड एड ऑफ $5 मिलियन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो यमन को दिया जा रहा है, दोनों के द्वारा मिलके ये जो राशि है ये यमन को दी जाएगी और ये बेसिकली दी जाएगी, ये जो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स होता है, मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस होती है कि वहाँ की जो कंडीशंस है वहाँ का जो मतलब आप ये समझ लें कि जो मानव अधिकार है वहाँ उनका खूब हनन हुआ है, लोग काफ़ी वंचित हैं अपने अधिकारों से और आज भी वहाँ सफ़र करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, जो रिबेल ग्रुप होते हैं। ठीक है, जहाँ जो वहाँ का एक सबसे मतलब बहुत ही शक्तिशाली एक हौथी रिबेल ग्रुप है, हौथी HOUTHI हौथी रिबेल ग्रुप है जो कि मतलब उस वहाँ का यमन के कैपिटल तक को उसने कैप्चर कर लिया है। तो ये उससे रिलेटेड उस पूरी चीज़ों से लड़ने के लिए ये एड प्रोवाइड की जा रही है क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी सब कुछ वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉज कन्फर्ड विथ एज़्टेक ईगल। एज़्टेक ईगल एक बहुत ही हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट इन द सेंस मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो रिकग्निशन देता है किसी भी फॉरेनर को बाय मेक्सिको, मेक्सिको की सरकार द्वारा ये किसी भी फॉरेनर को रिकग्निशन देता है। तो हाल ही में ये भारत के एक व्यक्ति हैं, उन्हें प्रेजेंट किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जिन्हें प्रेजेंट किया गया उनका नाम है प्रोफेसर S.P. गांगुली, कन्फर्ड विद दिस अवार्ड। ठीक है, और ये हाईएस्ट रिकग्निशन है जो भी मेक्सिको सरकार के द्वारा किसी भी विदेशी को दी जाती है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है S.P. गांगुली जी, जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर S.P. गांगुली जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक डैश इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट वेकेशन डिप्राइव्ड नेशन इन द वर्ल्ड। तो हाल ही में ये एक रिपोर्ट जारी की गई, एक्सपीडिया नाम का एक यूएस बेस्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कंपनी है उसके द्वारा। तो यहाँ पे जो रैंक है वो है 5th है भारत की। अब बेसिकली ये होता क्या है, मोस्ट वेकेशन डिप्राइव्ड नेशन, तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो मतलब 53% लोग हैं वो कामकाज में इतना उलझे रहते हैं कि वो कभी छुट्टी मनाने की सोचते ही नहीं है। छुट्टी मनाने की इन द सेंस वो अपने काम से कभी भी छुट्टी नहीं निकाल पाते अपने लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि वो किसी वेकेशन पे जा पाएँ। और भी कुछ ऐसे 63% लोग ऐसे हैं जो कि छुट्टी निकाल भी देते हैं, निकाल भी लेते हैं, लेकिन एंड टाइम पे उसे कैंसिल कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, वर्क के कारण उसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये इन सब पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई और इसमें जो भारत की रैंक है वो है 5th। इसके बाद जो कंट्रीज आ रही हैं वो है यूएस और मलेशिया। ठीक है, ये इसके बाद है, तो भारत की रैंक यहाँ पे 5th है और मतलब काफ़ी चिंता का विषय है कि लोग उतना रिलैक्स कर नहीं रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ वर्क, और ये एक मेंटल स्टिग्मा सा बन गया है कि नहीं मतलब काम कर लेते हैं, छुट्टी मनाने से क्या होगा, और उससे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है और जो हैप्पीनेस हो गया है जो फैमिली का हो चाहे पर्सन पर्टिकुलर का हो, ठीक है, वो धीरे धीरे उसका जो लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हाल ही में एक एक्टिंग एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति की गई है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है जॉयस सुया, ठीक है, ये हाल ही में अपॉइंट की गई हैं। ये अपॉइंट इसलिए की गई क्योंकि एरिक सोलेम ने उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था और उसके बाद इनका जो अपॉइंटमेंट है वो फाइनलाइज किया गया और ये हाल ही में अपॉइंटेड की गई है यूएनईपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रॉस स्कीम, बेसिकली एक स्कीम है अक्रॉस स्कीम जो कि हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का अप्रूवल मिल गया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हेड की गई थी। ठीक है, इन्हें अप्रूवल मिल गया है कि ये 2017 से लेके 2020 तक, ठीक है, मतलब वेदर और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये अपने वर्क्स या फिर इसके बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो अक्रॉस स्कीम है उसका जो फुल फॉर्म है वो है एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम सर्विसेज, तो ये है अक्रॉस का फुल फॉर्म। और ये किसके अंतर्गत आ रही है, किसके अंतर्गत काम करेगी, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगी, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसके अंतर्गत काम करेगी और इसी मंत्रालय के द्वारा इम्प्लीमेंट कराई जाएगी ये स्कीम, जो कि जिसका नाम है अक्रॉस, ACROSS। IIT हैदराबाद रिसर्चर्स डेवलप्ड स्मार्टफोन बेस्ड सिस्टम टू डिटेक्ट, मतलब हाल ही में IIT हैदराबाद के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक स्मार्टफोन बेस्ड एक सिस्टम को बनाया है जो कि अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, मतलब कितनी मिलावट है दूध में, इसका पता लगा सकती है। जस्ट बिकॉज मतलब ये कैसे होगा, ये होगा जो कलर चेंज होता है ना फ्रेंड्स, पेपर पे उस मतलब दूध के लिक्विड को डालेंगे और वो उससे कितने जल्दी वो इंट्रिंसिक कलर चेंज होता है उस पेपर का, उससे वो डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली जितना ज़्यादा एसिडिक होगा और फिर उस कारण से ये कलर चेंज होगा, ठीक है, कलर चेंज होगा, तो इससे पता कर पाएंगे कि जो मिल्क है वो कितना अडल्ट्रेट है, अडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क का लेवल कितना है। तो ये नया ऐप जो है, नया सिस्टम जो है IIT हैदराबाद के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाको टू होस्ट 2019 लॉरेस अवार्ड, तो ये जो लॉरेस अवार्ड है ये मोनाको में दिया जा रहा है और ये हाल ही में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किस नाम से जाना जाता है, जो लॉरेल अवार्ड है ये किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स, तो इसे ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। और पिछले वर्ष 2017 में ये मिला था रॉजर फेडरर को, जो कि मतलब लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, मेंस स्टार एंड रॉजर फेडरर, ठीक है, और इसके अलावा ये मतलब क्रिकेट में भी मिल चुका है, जैसे सचिन तेंदुलकर को भी ये अवार्ड मिल चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बेसिकली ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स जगत का ऑस्कर है मोनाको अवार्ड, सॉरी लॉरेस अवार्ड, जो कि मोनाको में दिया जाएगा। तो लॉरेस अवार्ड जो है वो ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मोहम्मद 6B सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय, ये किस देश के द्वारा लॉन्च की गई, इसका नाम आपको बताना है। एंडीज माउंटेन रेंज एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ये किस कॉन्टिनेंट में, उसका नाम बताना है। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन द सेंस, जैसे मान लीजिए सन है और ये इर्द गिर्द घूम रहे हैं प्लैनेट, तो ये कौन सा प्लैनेट है जो सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन करता है सन का। ठीक है, रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है, उस राज्य का नाम आपको बताना है। और डैम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, उसका भी नाम आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हैं आपके 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स फंडा का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मतलब रिविजन के लिए इस PDF को सेव करके रख सकते हैं फॉर क्विक रिविजन एट लास्ट मिनट of the examination. Okay, our friends, if you like the video, do like the video, subscribe with your friends, and do share and comment, friends, because if you comment, then we'll know that कि आपको कितना पसंद आ रहा है और हमें और किस डायरेक्शन में या किस वे में इम्प्रूव करना है। तो आप अगर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और बूस्ट मिलता है नए नए वीडियोस को लाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो टुमारो।